आज हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर, यानी एक स्ट्रक्चर को हम लोग डिक्लेयर करेंगे उसके अंदर और एक स्ट्रक्चर को हम लोग डिक्लेयर करेंगे। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट के लिए हम लोग रिकॉर्ड बना रहे हैं, तो स्टूडेंट का क्या होता है, नाम होता है, रोल नंबर होता है, फीस होता है, क्लास होता है। अब अगर हम टीचर के लिए बनाते, टीचर का नाम होता है, इसका डेजिग्नेशन होता है, इसका फीस नहीं, इसका सैलरी होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट दोनों में कॉमन एक चीज़ होता है, एड्रेस, जो स्टूडेंट का भी एड्रेस होता है, टीचर का भी एड्रेस होता है। तो क्यों ना हम लोग एक एड्रेस स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं और हम लोग एम्प्लॉय के अंदर भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, हम लोग स्टूडेंट के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं, प्रिंसिपल के भी अंदर हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो चलो यहाँ पर देखते हैं हम लोग कैसे बनाते हैं। सबसे पहले एक स्ट्रक्चर हम लोग डिक्लेयर करते हैं, स्ट्रक्चर स्ट्रक्ट स्मॉल में लिखते हैं, स्ट्रक्चर हम लोग लेते हैं एड्रेस, यहाँ पर हम लोग लेते हैं एड्रेस, एड्रेस। अब यहाँ पर हम लोग लेते हैं केयर स्ट्रीट 15 हम लोग ने ले लिया, केयर सिटी सिटी हम लोग ने यहाँ पर 15 ले लिया, केयर स्टेट हम लोग यहाँ पर 15 ले लिया। तो ये हम लोग कोई भी हो उसके लिए ये फीचर होता ही है, वो कहीं रहता है उसके लिए स्ट्रीट होगा, सिटी किसी सिटी में ही रहता है, किसी स्टेट तो होगा ही, तो उसके लिए सबके लिए होगा। अब यहाँ पर एक स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय। अब यहाँ पर एम्प्लॉय का क्या होता है, केयर नेम 20, केयर डेजिग्नेशन इज 10। अब यहाँ पर हम लोग लेते हैं इंट सैलरी, और यहाँ पर हम लोग डिक्लेयर करते हैं स्ट्रक्ट एड्रेस एड, यानी अब यहाँ पर एड्रेस भी होगा उसका, तो ऑलरेडी हम लोग एड्रेस यहाँ पर डिक्लेयर करके रख लिए हैं, तो इसी एड्रेस को यहाँ पर हम लोग स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर यहाँ पर कॉल कर लिया, यानी कि स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग क्या किए, स्ट्रक्चर को कॉल किए, या इस स्ट्रक्चर को यहाँ पर हम लोग कट करके यहाँ पर भी पेस्ट कर सकते हैं तब भी ये वर्क करेगा, ठीक है, या हम लोग इस फॉर्म में करते हैं तब भी यहाँ पर काम करता है। तो दिस इज कॉल्ड एज अ स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर, यानी एक स्ट्रक्चर के अंदर दूसरा स्ट्रक्चर को हम लोग डिफाइन किए हुए। तो चलो यहाँ पर अब देखते हैं ये वर्क कैसे करता है, अब इसको हम लोग कॉल कैसे करेंगे। अब यहाँ पर तो अब यहाँ पर लिखो स्ट्रक्ट स्ट्रक्ट एम्प्लॉय का ई एम। अब यहाँ पर लिखो सी आउट इंटर एम्प्लॉय डिटेल डिटेल्स, सी आउट इंटर एम्प्लॉय नेम, गेट्स यहाँ पर हम लोग लेते हैं ईएमपी डॉट नेम, सी आउट इंटर डेजिग्नेशन हम लोग लेते हैं गेट्स ईएमपी डॉट डीएस, सी आउट इंटर एड्रेस, सी आउट इंटर स्ट्रीट गली, गेट्स एम्पी डॉट एड डॉट स्ट्रीट। इंटर सिटी जैसे हम सिटी ले रहे हैं, गेट्स
एम पी डॉट एड डॉट सिटी सी आउट इंटर स्टेट गेट्स एम पी डॉट एड डॉट स्टेट सी आउट सैलरी, हम लोग यहाँ पर सैलरी ले लिए, सी इन ई एम पी डॉट, यहाँ पर हम लोग सैलरी लेते हैं जो हम लोग कहाँ पर एम्प्लॉयमेंट लिख लिया, इसलिए यहाँ पर ऐड नहीं होगा, यहाँ पर हम लोग सैलरी लेंगे। सैलरी हम लोग ने सैलरी ले लिया। अब हम लोग मैसेज को डिस्प्ले करते हैं, सी आउट एम्प्लॉय डिटेल्स, सी आउट नेम टैब ले लेते हैं हम लोग, अच्छा लगेगा। फूड्स जर्नलिस्टिंग को उसमें थका यूज करेंगे हम लोग, यहाँ पर ई एम पी डॉट नेम सी आउट नेम देन डेजिग्नेशन 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 फूड्स एम पी डॉट डी एस सी आउट एड्रेस सी आउट स्ट्रीट, तो लंबा प्रोग्राम हम लोग बना रहे हैं, स्ट्रीट फूड्स ई एम पी डॉट एड डॉट स्ट्रीट, गली हम लोग प्रिंट कराए, सी आउट एक एक करके हम लोग प्रिंट करा रहे हैं, सिटी फूड्स एम पी डॉट एड डॉट सिटी सी आउट स्टेट प्रिंट करा रहे हैं, यहाँ पर एम पी डॉट एड डॉट स्टेट सी आउट सैलरी, ई एम पी डॉट सैलरी, हम लोग यहाँ पर सारा इंफॉर्मेशन को क्या की डिस्प्ले करा रहे हैं। तो चलो इस प्रोग्राम को हम लोग रन कराते हैं। प्रोग्राम लंबा जरूर है बट काफ़ी यूजर फ्रेंडली है और काफ़ी अच्छा हम लोग प्रोग्राम ने बनाया है। अब गेट्स यहाँ पर यूज़ किए हैं तो हम लोग हेडर फाइल क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच हम लोग इस्तेमाल करेंगे, तो हम लोग ने यूज़ कर लिया। पुट्स क्या एरर दे रहा है चलो चेक कर लेते हैं हम लोग। मैन एरर ई एम पी वॉज नॉट ए डिक्लेयर इन दिस स्कोप पुट्स ई एम पी डॉट नेम ई एम पी ई एम पी इम्प्लॉय इंटर एम्प्लॉय डिटेल इम्प्लॉय इंटर द अनीता डेजिग्नेशन मैनेजर इंटर एड्रेस
लालपुर, रांची, स्टेट इज झारखंड, सैलरी इज 20,000, तो दे आर द डिटेल्स। तो यहाँ पर हम लोग ने लिया नेम इज अनिता, डिजिग्नेशन इज मैनेजर, एड्रेस स्टेट लालपुर, सिटी इज रांची और स्टेट इज झारखंड, सैलरी इज 20। तो हम लोग देखें यहाँ पर इंफॉर्मेशन को हम लोग ने यूजर से लिया और इन्फॉर्मेशन को हम लोग ने क्या किया, डिस्प्ले किया स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर। सबसे पहले का स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया एड्रेस नाम का, फिर हम लोग एम्प्लॉय नाम का डिक्लेयर किया है और देन एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट हम लोग बनाए हैं ईएमपी और एम्प्लॉय के थ्रू हम लोग सारे वेरिएबल्स को यहाँ पर वैल्यू को इनपुट कराए हैं और उसके बाद हम लोग ने यहाँ पर प्रिंट कराया है। तो दिस इज कॉल्ड अ स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर। एक बार देख लो इसे आप, लंबा जरूर है बट काफ़ी यूजफुल है एंड यूजर फ्रेंडली है पूरा।